पबजी गेम के बारे में कुछ समझ। इम्पैक्ट दोस्तों, पबजी गेम जिसके दीवाने और शौकीन आज पूरी दुनिया में है, और अब इस गेम को खेलने की दीवानगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक टाइम ऐसे भी था कि जब हर कोई पबजी खेलता था। शायद आपने भी इस गेम को खेला होगा या फिर नाम तो सुना होगा, और अगर नहीं खेला तो आज के वीडियो देखने के बाद आप जरूर खेलेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है इस गेम में कि छोटे से छोटे बच्चे तक अपने फोन में पबजी खेल रहे हैं? क्योंकि गेम्स तो बहुत हाई और बहुत ज्यादा है, पर इस तरह की दीवानगी वो भी छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक किसी भी गेम को लेकर नहीं देखी होगी। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में एक से लेकर एक अमेजिंग फैक्ट बताएंगे, वो भी पबजी गेम के बारे में, जिसे जानकर आप यही सोचेंगे कि हम पबजी तो खेलते थे पर हमें तो ये फैक्ट पता ही नहीं थे। तो दिल थाम के बैठिए। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज को करो तो पूरी जिद्दत और लगन से करो। वही रूल यहाँ फॉलो करते हैं कि हम पबजी खेलने के साथ साथ एक फैक्ट को भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आज आप इन फैक्ट को जानने के बाद आप सिर्फ पबजी गेम को जान ही नहीं पाएंगे, आप पबजी गेम मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए आज शुरू ही करते हैं। आज का ये वीडियो इस गेम से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए होने वाला है, तो एंड तक ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आप अपने दोस्तों के सामने इन फैक्ट्स तो बता रहे आप अच्छा खासा इंप्रेशन जमा सकते हो। नंबर एक, पबजी गेम जिसे आज इतना पसंद किया जाता है, इसके बारे में कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई है, ये कैसे बना? आइए देखते हैं पबजी किसने बनाया। पबजी गेम बनाने का एसन ब्रेंडन ग्रीन को दिया जाता है, जिन्हें पबजी का निर्माता भी कहा जाता है। ये पबजी गेम के डिजाइनर और डायरेक्टर है। ब्रेंडन ग्रीन गेम खेलने के बहुत ही ज्यादा शौकीन, वो आर्मा गेम खेलना पसंद करते थे, उसके बाद उसने गेम बनाने के बारे में सोचा। 2013 में आर्मा गेम में काम करने के बाद ब्रेंडन ग्रीन ने सोनी के गेम किंग ऑफ द किल में काम भी किया। इसके बाद साउथ कोरिया के ब्लू होल ने इन्हें ब्लू होल की तरफ से एक गेम बनाने के लिए ऑफर दिया, तब उन्होंने पबजी मोबाइल गेम बनाया। तो गाइस, जब आप जान गए कि पबजी गेम कैसे बना और किसने बनाया, दोस्तों आप सबको तो ये तो पता ही होगा कि पबजी का पूरा नाम है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। लेकिन क्या आपको पता है कि किस वजह से इसका नाम पबजी रखा गया? दरअसल इस गेम के पिता यानी निर्माता ब्रेंडन ग्रीन, जिसने इस गेम को बनाया, वे इसे बनाने के पहले आर्मा 2 गेम खूब ज्यादा खेलते थे। इस गेम में इन्होंने अपना नाम प्लेयर अननोन रखा था। तो गाइस, आप समझ गए ना कहां से आया यह पबजी नाम। नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है कि पबजी के बाद सबसे अधिक खेले जाने वाले गेम का वर्ल्ड रिकॉर्ड है? वैसे तो ये अंदाजा हमें कहीं ना कहीं लग ही गया होगा, क्योंकि जितना सुनने में यह गेम आया है उतना शायद ही कोई गेम का नाम आज तक हमने सुना होगा। और आपको बता दें कि दिसंबर 2017 में करीबन 31,06,398 लोगों ने एक साथ इस गेम को खेला और ये एक रिकॉर्ड बन गया। पर दिलचस्प बात यह है कि 2019 में इस गेम ने अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि आज की काउंटर लिस्ट देखे तो वर्ल्ड के टॉप 5 गेम्स में पबजी का नाम आता है। नंबर 4, दोस्तों पबजी के मैप में आपने देखा होगा इराएंगल नाम की जगह बहुत फेमस है। दरअसल इराएंगल नाम पबजी के निर्माता ब्रेंडन ग्रीन की बेटी के नाम इरियाना से प्रेरित था, जिसमें एंजिल जोड़कर इराएंगल बना दिया। नंबर 5, दोस्तों आपने पबजी खेला होगा तो देखा होगा कि इस गेम में बोट्स आते हैं, जो कि एआई उत्पन्न खिलाड़ी है, जो शूटिंग में जान मौत का खराब है। लेकिन गेम में खिलाड़ियों की कमी होने पर उन्हें पहली बार क्यों पेस्ट किया जाए? ऐसा कहा जाता है कि नए खिलाड़ियों को खेल में आसानी होती है, वो सभी ये ज्यादातर बोट्स वाले गेम खेलने के लिए बने होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसका लेवल 10 तक किया जाता है, पर कई लोगों का मानना है कि इन बोट्स ने इस गेम का मजा कुछ हद तक किरकिरा कर दिया है। नंबर 6, पबजी खेलने वाले खुद अपने डॉक्टर्स होते हैं, मतलब आप आसानी से अपने खुद को हील कर सकते हो और अपनी जान भी बचा सकते हो। लेकिन कभी कभी आपको हील करने की जगह नहीं मिलती। ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप खुद को आसानी से बचा सकते हो, वो जगह है समंदर। समंदर के अंदर आपको कोई भी गोली छू नहीं सकती। नंबर 7, जब पबजी गेम लॉन्च हुआ था तब इसका अंडरग्राउंड टनल जैसी कोई भी चीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी इसे बाद में मैप में जोड़ दिया गया, जिसे गेम और मजेदार हो गया। नंबर 8, पबजी में जीतने के बाद विनर विनर चिकन डिनर का इनाम मिलता है। अगर आप नहीं जानते कि विनर विनर चिकन डिनर का मतलब क्या होता है, तो अब आप जान लीजिए। दरअसल 19वीं शताब्दी में जुए का एक खेल खेला जाता था। इस गेम में जब कोई ज्यादा पैसा बटोर लेता था तो बाकी लोग कहते थे विनर विनर चिकन डिनर। तो अब आपको पता चला कहाँ से आया है विनर विनर चिकन डिनर। नंबर 9, दोस्तों पबजी को एक गेम बनाने का आइडिया एक जापानी थ्रिलर मूवी बैटल रॉयल से लिया गया है। इस मूवी में भी लोगों को एक टापू पर छोड़ दिया जाता है और वहाँ ये सब आपस में लड़ते हैं और अंत में सिर्फ एक ही बचता है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। नंबर 10, एक बात और आपको बता दे कि जब ये गेम स्टार्ट हुआ था तब प्लेयर को एक वेयर हाउस में छोड़ दिया जाता था, तो कुछ समय बाद किसी प्लेयर को सजेशन की वजह से गेम में चेंजेस करके बाद में प्लेयर को हेलीकॉप्टर से उतारा जाने लगा। नंबर 11, पबजी खेलने वालों को सबसे ज्यादा डर ब्लू जोन से लगता
सकता है। यह एक सर्कल होता है जो समय के साथ साथ छोटा हो जाता है। गेम में ज्यादातर लोग ऐसे ही मर जाते हैं जोन में। पबजी में ब्लू जोन का आइडिया सोवियत संघ की सेना से लिया गया है। पबजी के इस ब्लू जोन को पहले स्क्वायर का शेप देना चाह रहे थे, पर उसकी कोडिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए बाद में उसे सर्कल ही रहने दिया। नंबर 12, दोस्तों क्या आपको पता है इस गेम को ऑपरेट करने के लिए कितने डेवलपर की मेहनत लगी है? तो इसका जवाब है 15 यानी 15। जी हाँ दोस्तों, आप इस गेम को एंजॉय कर पाते हैं इन डेवलपर की गहरी मेहनत से। नंबर 13, पबजी को सोल साउथ कोरिया में बनाया गया है और टेंसेट कंपनी के द्वारा पब्लिश किया गया है। ये एक सोल बेस्ड कंपनी है जिसे ब्लू होल कहा जाता है। नंबर 14, दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि ब्लू होल कंपनी ने पबजी के एड प्रमोशन के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया है, और यहाँ ऐसा इसलिए हुआ कि माउथ मार्केटिंग इतनी मजबूत थी कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, और वैसे भी इसकी पॉपुलैरिटी लग कर देखता नहीं है कि इसे एड मार्केटिंग की कभी जरूरत पड़ेगी। नंबर 15, पबजी साल 2017 में पीसी और एक्सबॉक्स प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च किया गया था। एक ही साल में इसके अंदर गेम ने हंगामा खड़ा कर दिया कि इसे मोबाइल के लिए बना दिया। पबजी गेम वालों ने स्मार्टफोन के लिए पबजी लाइट बनाया है जिसमें 2GB या फिर इससे कम रैम वाले स्मार्टफोन में काम करता है पबजी लाइट। नंबर 16, टेलीविजन पर टेलीकास्ट होने वाले एड्स में से पबजी पहला मोबाइल गेम बन गया। नंबर 17, अभी हमने इराइंगल मैप की बात की, और अगर आपने इसमें अच्छे से देखा होगा कि इसमें पोचिंग के नाम की जगह है जो कि विशेष और अच्छे छुपने के स्थानों की वजह से पॉपुलर है। लेकिन क्या आपको पता है कि रूस में पोचिंग के नाम की जगह असलियत में है? इस जगह पर एक राइटर का घर संग्रहालय है और पॉपुलर राइटर ल्यू टॉलस्टॉय का घर भी है, और इन जगह को देखकर ऐसा नहीं लगता कि मानो ब्रेंडन ग्रीन ने कल्पना करने के बजाय वास्तविकता को इस गेम ने डाल दिया। नंबर 18, क्या कभी आपने सोचा था कि किसी गेम में भी ऐसा होगा कि कोई भी धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी? नहीं ना, पर पबजी में ऐसा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं की जाती, क्योंकि कंपनी ने पॉलिसी निकाली कि इस गेम में जो भी कठिन तौर पर धोखाधड़ी करेगा उस पर 100 सालों के लिए बैन लग जाएगा। तो सोच लीजिए, आपको चिकन डिनर करने के लिए 100 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। नंबर 19, दोस्तों पबजी गेम ने बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम, पीसी गेम ऑफ द ईयर, एक्शन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट गेम ऑफ द ईयर, ट्रेंडिंग गेम ऑफ द ईयर, ऐसे कई सारे अवार्ड अपने नाम किए हैं पबजी ने। नंबर 20, पबजी लॉन्च होने के कुछ ही सालों में दुनिया का सबसे बेहतरीन वीडियो गेम बन गया। पबजी एकलौता ऐसा गेम है जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा लोग खेलते हैं। मात्र भारत में पबजी खेलने वालों की संख्या 30 मिलियन को पार कर गई है, और ये गेम 500 मिलियन से भी ज्यादा बार डाउनलोड हो चुका है। नंबर 21, और दोस्तों एक दिन 1.34 मिलियन प्लेयर का एक साथ इस गेम खेलने का रिकॉर्ड सिर्फ पबजी के नाम है। क्या हुआ, सोख गए ना? 1.34 मिलियन प्लेयर एक साथ, कमाली हो गया, जय हो पबजी। नंबर 22, पबजी के बारे में एक शॉकिंग न्यूज ये भी है कि इसके लॉन्च होने के 3 दिन के अंदर ही इस गेम ने 17 करोड़ कमा लिए। हम तो अभी गिन ही रहे होंगे उंगलियों के 70 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। नंबर 23, दोस्तों ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि भगवान जब भी देता है चप्पड़ फाड़ के देता है, और अगर टैलेंट हो तो वो ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। ऐसी ही कहानी है पबजी के डेवलपर ब्रेंडन ग्रीन की। और आपको एक बात और बता दे कि ब्रेंडन ग्रीन डेवलपर होने से पहले ब्राजील में एक फोटोग्राफर थे। किसने सोचा था कि एक फोटोग्राफर डेवलपिंग फील्ड के पबजी गेम जैसा इतिहास रच देगा। नंबर 24, पबजी गेम की पॉपुलैरिटी के बारे में अगर जानना है तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि इस गेम के लॉन्च होने के एक साल के अंदर अंदर ही 8,652 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो चुका था। OMG। नंबर 25, दोस्तों पबजी गेम का पुराना नाम प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका नाम प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें आप अनजान लोगों के साथ गेम खेलते हो, इसलिए। नंबर 26, दोस्तों क्या आपको पता है कि पबजी का पूरा नाम है खुद ब्रेंडन ग्रीन ने डिजाइन किया है? एक आइलैंड में सेकंड वर्ल्ड वॉर बाद सोवियत सेना ने कब्जा कर लिया था, और वहाँ पर वो कुछ एक्सपेरिमेंट किया करते थे, और बाद में वहाँ पर जो लोकल लोगों में और सोवियत सेना में जो युद्ध हुआ तो पूरी जगह खंडहर बन गई, और इसी वजह से हम गेम में टूटे हुए घर, जली हुई गाड़ियाँ और खंडहर देखते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि ब्रेंडन ग्रीन ने पबजी बनाने से पहले आर्मा गेम और किंग ऑफ द किल के लिए डिजाइन एम के रूप में काम किया, और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी है कि पबजी में उन्होंने अपने पुराने जॉब पर किए हुए एक्सपर्टीज यूज किए हैं। इसलिए कहा जाता है कि जॉब हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि जॉब हमें बहुत कुछ सिखाती है जो कि हमें आगे अपने लाइफ में, और अगर आप बिजनेस करना चाहे तो उसमें भी जॉब का एक्सपीरियंस आपके काम आता है। नंबर 28, हम में से तो बहुत ही लोग पबजी मोबाइल में ही खेलते हैं, पर क्या आपको पता है कि पबजी मोबाइल को मोबाइल में तो फ्री है, पर इसे पीसी या एक्सबॉक्स पर खेलने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि पबजी मेनली पीसी और एक्सबॉक्स के लिए इन्वेंट किया गया था, और इस गेम को पीसी पर खेलने का मजा ही कुछ और है।
नंबर 30, अब पबजी लोगों को इतना लोकप्रिय बन रहा है तो कई लोगों का मानना है कि इसकी पॉपुलैरिटी का कारण इस गेम पर हर मोड पर आने वाले खतरे हैं, जो कि गेम की एक्साइटमेंट को बनाए रखता है। तो कैसी लगी आपके सबसे फेवरेट गन पबजी के बारे में इन्फॉर्मेशन? यही आपको और कोई ट्रिक्स मालूम हो तो हमें कमेंट करके तुरंत बताइए। और इस वीडियो को देखकर मजा आया हो तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सर्च जरूर करिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में सबसे पहले मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं कोई और वीडियो पे ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ और वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।